चैट बॉक्स पे मेरी वॉइस अगर क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स पे यस लिख दीजिए जी। थैंक यू सो मच, आप लोगों का रिस्पांस आ गया है। और मैं सूरज मल्होत्रा, ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर ऑफ SHPL, आज आप सबका वेलकम करता हूं आज के वाव वेडनेसडे में। जी हाँ, हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को आज का दिन बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आज हमारे को एक सक्सेसफुल लीडर से सीखने का मौका मिलता है, जहां आज वो उस मुकाम पे पहुंचे हमें आज के दिन वो चीजें जानने का मौका मिलता है। कहते समझदार आदमी अपने एक्सपीरियंस से काम लेता है, और जो अति समझदार इंसान होता है वो दूसरे के एक्सपीरियंस से काम लेता है। और हम सब इकट्ठा होते हैं वाव वेडनेसडे के दिन में, जो SHPL के माध्यम से एक बेहतरीन सिस्टम बनाया गया है, उस ट्रेनिंग को, उस तरीकों को जानने के लिए। तो जल्दी से मैं आप सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक ऐसी जगह पे हो जाए जहाँ पे आपको आज की मीटिंग की प्रॉपर आवाज आ रही हो, और अगर आप लोग सही तरीके से बैठे हैं या सही यूनिफॉर्म में है तो ही आप वीडियो को ऑन कीजिएगा और ईयरफोन लगा लीजिए, ताकि आपको आवाज प्रॉपर तरीके से मिले। क्योंकि यकीन मानिएगा, जो आज का दिन है वो आपको वो सारी चीजें मिलने वाली है, कैसे एक नया पर्सन जो SHPL को शुरुआत करता है वो किन चीजों को अगर अपनाएगा तो कैसे वो अपने सपनों तक बहुत जल्दी पहुंच सकता है। तो सबसे पहले आप एक ऐसी जगह पे हो जाए जहाँ पे आपको पूरी तरह से आवाज प्रॉपर आ रही हो। दूसरा, आप लोगों को मैं यही कहूंगा, हम अगले 1 से 2 मिनट के अंदर सेशन को शुरू करने वाले हैं, इसी वजह से जल्दी से आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी लोग आपकी टीम में है उनको लिंक भेज के रिमाइंडर दे दीजिए कि सेशन शुरू होने वाला है। और आगे मैं बात करूं, आज का सेशन है किन लोगों के लिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब आपने टॉपिक देखा तो उसमें आपने देखा होगा कि एक इंसान को क्या चीज चाहिए होती है कामयाब होने के लिए। तो अगर एक लाइन में बात करें तो वो आज का टॉपिक ही है कि कोई काम को क्यों करना है, कैसे करना है और क्या करना है। अगर व्हाट, हाउ, व्हाई, ये तीन चीजें अगर क्लियर हो जाए तो हर इंसान कामयाब हो सकता है। आज का सेशन उन लोगों के लिए जिन्होंने आज शुरुआत करी, जिन्होंने SHPL की शुरुआत करी, बिल्कुल न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनके लिए आज ये एक ट्रेनिंग समझ लीजिए मिरेकल होने वाली है, क्योंकि उनको शुरुआती दौर पे इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग मिलने वाली है। या जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो SHPL का परिवार बन चुके, जिनकी भी टीम है, उन लोगों के लिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि किन चीजों को शुरुआत से ही फॉलो करके चलना है, तो वही आप एक अपनी टीम में, नए परिवार में जो शामिल होता है डिस्ट्रीब्यूटर, उसको भी आप बता पाओगे। तो क्या आप लोग तैयार है? अगर आप लोग तैयार है तो मुझे एक बार चैट बॉक्स पे सारे S लिख के जरूर भेजिएगा। मैं S इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप सबका भी माइंड यहाँ पे बैठे, यस नहीं, S लिख के भेजिए, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आप सब पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। क्योंकि जो सेशन होने वाला है, जो स्पीकर आने वाले हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज की ट्रेनिंग के लिए, और बिल्कुल रिस्पॉन्स आ रहे हैं। कोशिश ये कीजिएगा सारे लोग सेशन के शुरुआत से लेके अंत तक पार्टिसिपेट करें, ताकि आपको एक एक चीज यहाँ पे अच्छे से मिले। और आप अपनी डायरी पेन जरूर रखिएगा, ताकि जो भी चीज आपको बताई जाए उसको आप साथ ही साथ नोट भी करें। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज के जो एक्सपर्ट है, जो बिजनेस एक्सपर्ट है, उन्होंने बहुत ही कम समय में SHPL में आज उस मुकाम को हासिल किया, जो हम सबका सपना है कि हाँ हमारे को भी एक दिन मेहनत करते हुए उस मुकाम तक, उस लेवल तक जाना है। आज उनके थ्रू या लाखों परिवारों की जिंदगी बदल रही है, क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन लिया SHPL को करने का, और उस डिसीजन को सही तरीके से फॉलो करने के बाद आज जो जो जिन जिनको उनके ट्रेनिंग्स वगैरह, उनके बारे में जानने का मौका मिला, आज सबकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आया है। तो मैं दोबारा से यही कहूंगा, डायरी पेन जरूर रखिएगा, और ज्यादा देर ना करते हुए मैं आप सबके, मैं यही कहूंगा, आप लोग कहीं भी है, अगर वीडियो होना है तो आप क्लैप वीडियो पे कर सकते, नहीं तो रेज हैंड कर सकते हैं। जब मैं उनको इनवाइट करूं तो आप सबका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हम सबके बीच में SHPL के ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर फ्रॉम दिल्ली, वन एंड ओनली मिस्टर सरफराज आलम सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सूरज जी, मेरे को बस 1 मिनट समय दीजिए जी। तो आप लोगों को जब तक सर अपना सेटअप कर रहे हैं, आप जल्दी से डायरी पेन ले लीजिए और रिस्पांस देते रहिए कि आपको आवाज पूरी आ रही, क्योंकि बीच में कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आवाज नहीं आ रही। तो आप लोग नेटवर्क एरिया में जरूर आ जाइए, मैं यही बोलूंगा, और जल्दी से सेटल हो जाए एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका पूरी तरह फोकस
बना रहा है, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। वो आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं कि आप कभी भी कैसी भी सिचुएशन में अगर उस चीजों को आप अप्लाई करोगे तो आपका ग्राफ हमेशा इस बिजनेस में ग्रोथ की तरफ ही जाएगा। तो क्या आप लोगों ने डायरी पेन अपने साथ रख लिया है? ओके जी सुरेश जी, मैं तैयार हूँ। प्लीज वेलकम सर। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी और मैं प्रॉपर दिख पा रहा हूँ। अगर हाँ तो प्लीज एक बार यस टाइप कर दीजिएगा। ओके ठीक है, आशीष जी का मैसेज आ गया, यस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साथियों समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, मेरे को लगता है ऑलरेडी मीटिंग में हम लोग 4-5 मिनट लेट है, तो बिना वक्त जाया किए शॉर्ट में अपना परिचय देना चाहूंगा आपको और फिर ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। साथियों मेरा नाम सरफराज आलम है और आज इस कंपनी में काम करते हुए मेरे को 13 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। लेवल की अगर बात करूं तो मेरा इस कंपनी में लेवल ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर का है। आमदनी की बात करूं तो पता नहीं कम है या ज्यादा है, फैसला आप कीजिएगा। मैं सूरज जी हम लोग यूनाइटेड होकर के काम कर रहे हैं एज ए पार्टनर, और पिछले महीने की केवल आमदनी की बात अगर की जाए तो हमारे आईडी पे जो आमदनी है वो 4,21,000 रुपए है। कम ज्यादा हुआ आप फैसला कीजिए। मैं बस इतना बताना चाहूंगा आज बहुत खुश होकर के हम लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं और एक ठीक ठाक अचीवमेंट लेकर के सही आमदनी के साथ कार्यरत है। आज का इस सेशन किस लिए है? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कंपनी जो हमारी है सर्वश्री अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए जानी जाती है और नियमित तौर पर हर बुधवार को हम लोग एनडीओ ट्रेनिंग करते हैं। अलग अलग स्पीकर को आपने सुना, खासतौर पर स्टैन सर को, और जिसका मैं अगर बोलूं जिनके पूरे कंपनी में दीवाने भरे पड़े उनके शानदार ट्रेनिंग जो सर लेते हैं। आज एक लीडर के जरिए आप इस ट्रेनिंग का ट्रेनिंग को लेने वाले हैं, ट्रेनिंग को जाने वाले हैं। मैं सरफराज आलम, मेरे जैसे बड़े सारे लीडर्स इस कंपनी में हमारी लेवल पे हमारी पोजीशन पे कार्यरत हैं, सबका बताने का अलग अलग तरीका होता है। मैं बस अपनी बात रखने से पहले एक बोला जाए डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगा। कई दफा ऐसा होता है कि ट्रेनिंग में कुछ बातें हम सुनते हो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग से सीखा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो जिस भी मेंटरशिप में आप काम करते हैं, जिस भी अपलायंस के साथ आप काम करते हैं, उनसे एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा। बाकी ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं, आज की ट्रेनिंग क्यों रखी गई है। देखिए कई वर्षों का तजुर्बा है डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का मेरे पास, लेकिन जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ, किसी नए व्यक्ति से मिलता हूँ, तो एक सवाल उठ करके जरूर आता है। वो सवाल क्या, सर हमने डायरेक्ट सेलिंग तो किया लेकिन शुरुआत कैसे करें, एक अच्छी शुरुआत कैसे हो सकती है डायरेक्ट सेलिंग में। तो आज की ट्रेनिंग इसी बात पर है। मैं जब सोच रहा था कि इस ट्रेनिंग को अगर लेना हो तो कौन कौन से टॉपिक को कवर किया जा सके, तो आज की ट्रेनिंग 3 पार्ट में डिवाइडेड है। शायद आप तक पोस्टर भी पहुंच गया होगा। 3 मुख्य बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। वो 3 पॉइंट क्या है, क्यों, क्या और कैसे। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा साथियों, थोड़ा सा इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाते हैं। क्यों, क्या और कैसे, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इन तीनों में सबसे जरूरी पॉइंट क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, क्यों, कैसे और क्या, इन तीनों में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपको क्या लगता है, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। अक्षय जी का कहना है क्यों, बहुत बढ़िया। ऑफिशियल अभिषेक ओझा जी का कहना है कैसे। विकास जी का कहना है क्यों। जगन्नाथ जी का कहना है वाई। बड़े सारे लोग हैं। तो मुझे समझ में आ गया है कि इस ट्रेनिंग मीटिंग में फ्रेशर्स कम लीडर ज्यादा है, तो मेरे को बताने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि आज ये भी देख पाएंगे कि किस ट्रेनिंग से जवाब है। सबसे पहला जो सबसे कॉमन जो जवाब मेरे को सुनने को मिल रहा है वो है क्यों। तो आइए ट्रेनिंग के पहले पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। क्यों, क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना जरूरी। तो देखिए क्योंकि अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कैसा या फिर क्या, कैसे या फिर क्या, ये उतना महत्व नहीं रखता है। अगर हमारे को पता लग जाए कि क्यों 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारा वजह क्या है। जैसे मैं बोलूं मेरे पैर में चोट लग गई है, चलने में भी बहुत तकलीफ हो रही है, चलने के बाद छोड़ो मैं अगर खराब ही होना चाहता हूं तो पैर में जो मोच आ गई, अगर चोट लग गई है तो मैं खराब ही नहीं हो पा रहा, बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत है, कोई भी काम नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं जिस कमर में रहता हूं अचानक से उस फ्लोर पे आग लग गई और सारे लोग जान बचाने के लिए भाग लिए, मैं अकेला रह गया। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं मैं भागूंगा या नहीं भागूंगा, जवाब दीजिएगा। क्या मैं भागूंगा अगर मकान में आग लग गई, मेरे कमरे में आग लग गई तो। अक्षय जी ने कहा बिल्कुल,
बिल्कुल मैं भागूंगा। सवाल यह है कि क्या मेरे मन में एक सेकंड के लिए भी, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी यह पॉइंट आएगा क्या कि मैं कैसे भागूंगा, मेरे पैर में तो चोट लगी है? शायद नहीं। क्यों? जवाब आपको पता है। सवाल ये कभी था ही नहीं कि मैं कैसे भागूंगा, सवाल ये था कि मैं क्यों भागूंगा। और क्यों का जवाब मेरे को पता है, जिंदगी बचानी। तो साथियों यही मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी को, डायरेक्ट सेलिंग में अगर बड़ी कामयाबी आप हासिल करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो पॉइंट क्या है कि अपना क्यों ढूंढिए, आप इस व्यापार में क्यों आए। आइए दो उदाहरण से समझते हैं और जवाब दीजिएगा, आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। एक राम का नाम का लड़का ज्वाइन करता है बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, और उसने पॉइंट क्या लिखा कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि ऑलरेडी मैं 10-12 हजार रुपए कमाता हूं, अगर 3-4-5 हजार रुपए और एक्स्ट्रा आ जाए तो क्या दिक्कत है, तो मैंने अतिरिक्त आमदनी के लिए इस व्यापार को ज्वाइन किया। मेरे ख्याल से एक जेन्युइन रीजन हो सकता है, यस या नो दोस्तों, प्लीज जवाब दीजिएगा। अतिरिक्त आमदनी के लिए उस व्यक्ति ने राम नाम, एक उदाहरण के लिए मैंने लिया, राम नाम के व्यक्ति ने ज्वाइन किया। सवाल यह है कि उसका वाई तो ठीक है, लेकिन जब वो काम करने के लिए जा रहा है, 10-12 लोगों से अगर बात करने की उसने सोची, 2-3 लोगों को उसने प्लान दिखाया और रिजेक्शन मिल गया, ना सुनने को मिला, लोग समझने को तैयार नहीं, उल्टा इनको समझाना शुरू कर देते कि गलत जगह दिमाग लगा रहे हो, समय खराब कर रहे हो। शायद ये किसी चौथे या पांचवें बंदे को प्लान दिखाने के लिए नहीं जाएगा। क्यों? उसके मन में गया यार 15-16 हजार से गुजारा तो चल ही रहा था, सोचा थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा, कोई जुड़ तो रहे नहीं है। उसने बोला नहीं करना इस बिजनेस को। वहीं पे श्याम नाम का लड़का है, उसने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझा, डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार को समझा, और वो अपने सीनियर से जाकर के बैठ करके बोलता, सर इससे पहले कि मैं बिजनेस शुरू करूं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सर मेरी उम्र आज 27 साल है, मुझसे बड़ी दो सिस्टर है, एक की उम्र 29 साल और एक की उम्र 31 साल है। पिताजी ने ठीक ठाक परवरिश की हमारी, सब कुछ करा, लेकिन जब शादी की बात आती है तो हम सक्षम नहीं है कि शादी का खर्च उठा पाए, किसी को रुपए दे पाए, और यकीन मानिए सर इसी वजह से मेरे को लगता है कि सिस्टर की शादी अभी तक नहीं हो पाई। सर जब इस कॉन्सेप्ट को मैंने देखा, यहाँ पे कामयाब लोगों को मैंने देखा, तो मैंने सर डिसाइड कर लिया कि मेहनत करके डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अगले 2-3 साल में कम से कम 12-16 लाख रुपए मैं सेव करूंगा और अपने बड़ी सिस्टर की शादी कराऊंगा। उसने अपना वाई लिखा। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या एक जेन्युइन वाई हो सकता है? अगर हाँ तो जी टाइप कीजिए। अगर ये वाई आपको लगता है कि हाँ वाकई में एक जेन्युइन वाई है सर, आप जरा फर्क देखिएगा क्या होता है। उस व्यक्ति ने जिसने केवल ये लिखा था कि 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा आ जाए तो क्या दिक्कत है, 2-4-5 लोगों को प्लान दिखाने के बाद शायद वो टूट जाएगा अगर रिजेक्शन मिलेगा। लेकिन ये व्यक्ति जिसका वाई बहुत ही स्ट्रांग है, कारण पता है, ये 10-12 लोगों की अगर प्रेजेंटेशन करेगा ना और अगर फिर भी ना मिला तो ये 13वें इंसान के पास जाएगा, अगर 20 प्रेजेंटेशन कर रिजेक्शन मिला तो 21वें इंसान के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वाई बहुत क्लियर है, इसको पता है कि ये जो 15-20 लोग आज ना कर रहे हैं ना, जब मेरे सिस्टर की शादी की बारी आएगी और खर्च उठाना पड़ेगा तो कोई भी 1000 रुपए का भी सपोर्ट करने के लिए नहीं जाने वाले, नहीं आने वाले कि वो सपोर्ट करेंगे, मानते हैं ना दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना वाई ढूंढिए। अगर आपको अपना सही कारण मिला तो आप बेशक से काम कर पाएंगे, आप टूटेंगे नहीं, कितना भी रिजेक्शन मिले आप नहीं टूटेंगे, आप व्यापार को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे जरूरी पॉइंट है अपना वाई ढूंढिए। अब आप बोलेंगे सर आपकी बात सुनने में तो ठीक लगती है, लेकिन मेरा बताइए, मैं तो ऑलरेडी सिस्टर की शादी कर चुका हूं, ऐसा कोई इमोशनल वाई तो मेरे पास नहीं है, मैं कैसे काम करूं? तो मैं बताना चाहूंगा साथियों आपको, आप जिस कमरे में, जिस मकान में रहते एक बार जरा देखिए, आपके पेरेंट्स जिस मकान में, जिस कमरे में रहते एक बार जरा देखिए, आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर या आपकी माँ, आपकी माँ जिस किचन में खाना बनाती एक बार जाकर के देखिए और सोचिए, खुद से सवाल कीजिए, क्या वो वही छोटा सा किचन, वही छोटा सा घर डिजर्व करती है? कहीं बाहर झांकने की दोस्तों जरूरत नहीं है। अगर आप एक पिता है, आपकी उम्र 32 साल, 35 साल या 40 साल है, तो एक बार खुद से सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ कि बच्चे ने बोला कि कोई खिलौना चाहिए और आपने ये बोल करके मना कर दिया, बेटा वो टूट जाएगा? सर वो खिलौना है, टूटेगा ही, सोना तो है नहीं जो नहीं टूटेगा। शायद हमने मना इसलिए किया क्योंकि हमें ये लगता है
कि ये 1200-1500 रुपए जो हम लोग खिलौने पे खर्च करेंगे, शायद इस 1500 रुपए से घर का एक दिन का राशन आ जाएगा, और हम लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं दोस्तों। जब ट्रेन की टिकट कटाने की बारी आई तो हम सोचते हैं हम फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में, मतलब फर्स्ट टायर एसी या सेकंड टायर एसी, टू टायर एसी में टिकट ना कटा करके हम स्लीपर से चले आते हैं, क्योंकि ट्रेन तो उसी जगह पहुंचेगी और सेम टाइम पे पहुंचेगी। आप स्लीपर का टिकट कटाओ या जनरल का कटाओ या थ्री टायर एसी का कटाओ, सेम टाइम पे सेम प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पहुंचेगी। लेकिन अगर हम कंप्रोमाइज करते हैं दोस्तों, तो एक बार आपको अपना वाई स्ट्रॉन्ग करना होगा दोस्तों। तो कहीं और झांकने की जरूरत नहीं है, किसी से बातचीत करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से सोचिए कि आप इस व्यापार में क्यों आए। और मैं सिंपल बताऊं, रोटी दाल चावल के लिए केवल डायरेक्ट सेलिंग नहीं कीजिएगा, अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए केवल डायरेक्ट सेलिंग नहीं कीजिएगा, थोड़ी बड़ी सोच रखिए, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग कीजिए दोस्तों। और यकीन मानिए, मजा आएगा आपको काम करने में। लोग अगर रिजेक्ट करेंगे ना, आपके चेहरे पे स्माइल आएगा और आप सोचेंगे कि कोई और है जो कि मेरा इंतजार कर रहा है, जिसकी सोच बड़ी होगी, जिसके सपने बड़े होंगे, जिसका हाथ में थामूंगा और मिलकर के हम लोग कुछ बड़ी कामयाबी हासिल करें। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस व्यापार में अगर आपको कामयाब होना है तो बड़े सपने देखें, एक बड़ा और इमोशनल वाई ढूंढिए, खुद से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, जो भी आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ पे पहले पार्ट पे साथियों हम लोगों ने बात की, जिसमें कि आपने जाना कि वाई ढूंढना क्यों जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आप बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो। अब मैं दूसरे टॉपिक की तरफ चलना चाहूंगा दोस्तों, कि अगर आप यहां पे आ गए, आपने अपना क्यों ढूंढ लिया, तो अब आपको काम कैसे करना है। तो आइए कैसे के कुछ पॉइंट पे मैं बात कर लूं। जब सवाल ये उठता कि कैसे काम करना है डायरेक्ट सेलिंग में, सर मुझे अपना क्यों का पता लग गया, तो कैसे में जो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपके पास डायरी पेन और पेपर है तो प्लीज नोट कीजिएगा, इसको आपको बहुत फायदा मिलेगा, केवल खुद के लिए नहीं, जब आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे, किसी और से बात कर रहे होंगे, तो उनको आप ये बता पाएंगे, सिखा पाएंगे। कैसे में जो सबसे पहला पॉइंट है, वो पॉइंट है मेंटेन अ डायरी। आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, जो भी आपको लगता है, एक डायरी जरूर मेंटेन कीजिए। वही आपका ऑफिस है, वही आपका बिजनेस का ब्योरा रखेगा, उसी में सारी चीजें होंगी। क्या क्या चीजें हो सकती है, तो जब आप डायरी मेंटेन करते हैं, तो उस डायरी में जो सबसे पहला आपको काम करना है वो ये कि आप अपनी वाई लिस्ट बनाइए, आप इस व्यापार में क्यों आए उस डायरी पे लिखिए। बहुत लंबा चौड़ा मैसेज आ गया, सपने भरे तो तकलीफें भी, चुनौतियां भी बड़ी होंगी, पर जब सफल होंगे, कामयाबी चौर और शोर मचाएगी। सही है, बहुत बढ़िया, पुनीत भारद्वाज जी ने लिखा, थैंक यू सो मच पुनीत जी, आपकी सोच बिल्कुल सही है। वापस से ट्रेनिंग के टॉपिक पे मैं आता हूं, मेंटेन अ डायरी, डायरी बनाने के बाद जो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना वो है वाई लिस्ट। आपको कारण लिखना है कि आपने इस व्यापार को क्यों किया। और यकीन मानिए साथियों, जब आप खाली बैठे होंगे, हो सकता थोड़ी सी थकावट हो काम को लेकर के, और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, और आप वाई लिस्ट को खोल करके देखेंगे तो वो आपको ताकत देगी। मेरा नाम सरफराज, मैंने लिखा कारण, और जब मैं डायरी खोल करके देखता हूं तो मुझे याद आता है कि सरफराज इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्यों आया, मेरे जीवन में कौन सी जरूरी चीज है जिसको लेकर के मैंने ठान लिया था कि ये मुझे करके दिखाना है, और वहां से वो एनर्जी, वहां से वो ताकत मिलती है दोस्तों। तो डायरी बनाने के बाद सबसे पहला काम कीजिए कि उस पर अपना वाई लिस्ट लिखिए। वाई लिस्ट के बाद जो दूसरा काम आपको करना है दोस्तों, ड्रीम लिस्ट लिखिए, सपने लिखिए, जो टारगेट्स आपको पूरे करने। सपने वो नहीं जो रात में सोने के बाद देखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बहुत अच्छी बात कही, आपको एक कोटेशन मिल जाएगा नेट पे बहुत इजीली। सपने वो नहीं जो रात में हम लोग सोने के बाद देखते हैं, सपने वो जो हमें सोने ना दे, हमारे टारगेट्स, हमारे गोल्स। आपको ड्रीम लिस्ट लिखनी है। सुबह जब आप उठे और आपको पता लगे कि आज दिन में कोई काम नहीं है, आप सोचेंगे एक घंटे और सो लेते हैं, हम उठेंगे क्यों, तैयार होकर के निकलेंगे क्यों, जब तक हमें हमारा लक्ष्य नहीं पता हो, हमें ये नहीं पता हो कि आज करना क्या है। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, और मैं तो बोलूंगा किसी भी बिजनेस में, अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, आपका टारगेट सेट नहीं है, तो आप साथियों कुछ बड़ा और कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, अगर होगा भी तो वो केवल और केवल तुक्का होगा दोस्तों। ड्रीम लिस्ट बनाइए। किस प्रकार से ड्रीम लिस्ट लिख सकते हैं, देखिए तीन प्रकार के ड्रीम लिस्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम जो कि 6 महीने मैक्सिमम 1 साल का हो सकता है, शॉर्ट टर्म ड्रीम में आप क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम में आप साथियों लिखिए कि आप अपना पहला चेक कब बनाएंगे और अपलाइन से कब मुबारकबाद लेने वाले हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम में आप लिखिए
कि आप अपनी पहली सेमिनार कौन सी लेने वाले हैं और कितने की गैदरिंग की आप खुद से मीटिंग करना चाहते हो। आप लिखिए कि आप अपना पहला फोन कब लेना चाहते हैं इस बिजनेस के माध्यम से साथियों। आप लिखिए शॉर्ट टर्म ड्रीम में कि आप इस डायरेक्ट सेलिंग व्यापार के माध्यम से कमाए गए पैसे से पहला लैपटॉप कौन सा लेने वाले हैं, कब खरीदने वाले हैं। तो इस प्रकार से साथियों आपको शॉर्ट टर्म ड्रीम लिखना है दोस्तों। आप लिख सकते हैं कि पहला डोमेस्टिक ट्रिप पे आप कब जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार के जरिए जो आप पैसे कमाने वाले हैं उसके जरिए। ये ताकत आपको देगी दोस्तों, ड्रीम लिस्ट में आप ये लिख सकते हैं। आप लिखिए आपकी अपलाइन आपकी मदद करेगी किस प्रकार से उस आमदनी को हासिल करने के लिए आपको कितना काम करना है दोस्तों। शॉर्ट टर्म ड्रीम के बाद जो अगला है वो है मिड टर्म ड्रीम। मिड टर्म ड्रीम क्या हो सकता है, वो एक से दो साल के बीच जो आप हासिल करना चाहते हैं दोस्तों, वो मिड टर्म ड्रीम हो सकता है, आपका टारगेट हो सकता है। आप अपने अपलाइन के साथ बैठे और अपने डायरी पे लिखिए। उदाहरण के लिए मिड टर्म ड्रीम में आप लिख सकते हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपनी पहली बाइक कौन सी लेने वाले हैं, कितने की लेने वाले हैं। आप लिख सकते हैं दोस्तों उसकी कीमत क्या होगी, किस तारीख में लेने वाले। मिड टर्म के बाद जो लॉन्ग टर्म ड्रीम है उसमें आप लिख सकते हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार से कमाए गए पैसे से पहली गाड़ी कौन सी लेने वाले हैं, पहला घर कौन सा लेने वाले हैं, वो ड्रीम हाउस आपका कौन सा होगा, कितने का होगा, कहां लेने वाले। इस प्रकार से दोस्तों आपको डायरी में ड्रीम लिस्ट बनानी है। ड्रीम लिस्ट के बाद जो आपको अगली लिस्ट बनानी है वो है गेस्ट लिस्ट। गेस्ट लिस्ट क्या है, देखिए साथियों हम जिस व्यापार में आज काम कर रहे हैं यहां पे हमें बिजनेस बिल्ड करना है, टीम बनानी है। जिसके पास जितनी बड़ी टीम, जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क, आज वो साथियों उतना ज्यादा कामयाब है। तो सवाल है कि आप जोड़ेंगे किसको, अपने साथ लाएंगे किसको, टीम कैसे बनाएंगे, लोगों को, गाय बकरी इनको तो ज्वाइन कराना नहीं है, कराना है किसको है, लोगों को। गेस्ट लिस्ट पे बस मैं एक लाइन आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, गेस्ट लिस्ट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर आवर बिजनेस। हमारे इस व्यापार का जो कच्चा माल या रॉ मटेरियल्स है वो क्या है, वो गेस्ट लिस्ट है दोस्तों। आपको गेस्ट लिस्ट बनानी है। इस सेशन में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, क्या आप मेरी इस बात से सहमत है, थोड़ा सा इंटरेक्शन भी जरूरी है, मुझे पता लगे लोग कनेक्टेड है कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए गेस्ट लिस्ट बनाना जरूरी है। अगर हाँ तो प्लीज यस टाइप कीजिएगा दोस्तों, मेरे को जवाब चाहिए आपका। ओके, तो ऐसा देखना जरूरी था कि लोग यहाँ पे है या नहीं। सवाल है कि गेस्ट लिस्ट क्या, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लोगों की एक लिस्ट बनानी है। ध्यान दीजिएगा, कभी किसी को प्रिजज नहीं करना है कि कोई ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, मेरा ये अनुभव है दोस्तों। और ज्यादातर डायरेक्ट सेलर इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत है कि हम जिनके बारे में सोचते हैं कि करेगा वही नहीं करता, और जिसके बारे में लगता है वो कुछ नहीं करेगा वो कमाल कर जाता है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, नेवर प्रिजज एनीबडी, कभी किसी को प्रिजज नहीं करना है। सवाल है कि गेस्ट लिस्ट बनाएंगे कैसे, तो गेस्ट लिस्ट बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, अपने डायरी पे गेस्ट लिस्ट दीजिए, टाइटल सीरियल नंबर लिखिए, उसके बाद नाम लिखिए उन सारे लोगों का जिनको कि आप जानते हैं। ध्यान दीजिए, फिर मैं बोलूंगा प्रिजज नहीं करना है। वो किस प्रोफेशन से, वो स्टूडेंट है, टीचर है, जॉब होल्डर है, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है, उसका प्रोफेशन लिखिए दोस्तों। और कॉन्टेक्ट नंबर लिखना जरूरी है, पता नहीं कब फोन खो जाए, फोन फॉर्मेट हो जाए, कॉन्टेक्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरी पे आपको लिखना है दोस्तों। किस जगह रहता वो, अगर वो आपके शहर में रहता तो स्पेसिफिक गली मोहल्ले कॉलोनी का नाम मेंशन कीजिए, दूसरे स्टेट में अगर रहता तो दूसरे स्टेट का नाम लिखे, ताकि आपके अप्लाइंस आपको गाइड करे कब उनके साथ काम करना है। प्लेस के बाद लास्ट में लिखना है फिनेंशियल स्टेटस, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपके सीनियर्स आपको बताएंगे, सजेस्ट करेंगे कि उनको किस प्रकार से आप इनवाइट कर सकते हैं। गेस्ट लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शुरुआत में जो इनविटेशन देना है वो हॉट लिस्ट वाले लोगों को। हॉट लिस्ट कौन, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जिनके रेगुलर कॉन्टेक्ट में है। ऐसा नहीं कि जिनको 5 साल से कोई बातचीत नहीं की अचानक से उनको इन्विटेशन दे देंगे, नहीं। हॉट लिस्ट वाले जो लोग हैं उन पर आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत अच्छा होता है। शुरुआत में साथियों आपको उनसे बात करनी है, गेस्ट लिस्ट में यही पॉइंट। इसके बाद जो अगला काम आपको करना है वो है लोगों को इनवाइट करना। जिन लोगों को आपने जिनका भी आपने लिस्ट में नाम लिखा है, गेस्ट लिस्ट बनाया है, उनको इनविटेशन दीजिए, उनको इनवाइट कीजिए। किसके लिए, सिंपल, अपना प्लान बताने के लिए।
अपने कंपनी और अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने के लिए। इनविटेशन पे मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा दोस्तों, हालांकि इसकी अलग से प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, बस मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, बड़ों को कॉफी छोटे को टॉफी। सही कह रहे आप अभिषेक ओझा जी, इन्विटेशन में एक फॉर्मूला काम करता है, बड़ों को कॉफी छोटे को टॉफी। क्या मतलब इसका आप समझ गए होंगे, किसी को इनवाइट करना एक कला है, एक आर्ट है। किसी बड़े को अगर आपको इनवाइट करना हो तो उसको आप कॉफी बोल के बुला सकते हैं, टॉफी दिखा करके नहीं। और किसी छोटे बच्चे को अगर आपको बुलाना तो उसको टॉफी दिखा सकते हैं, कॉफी नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों, किसी को अगर इनवाइट करना चाहते तो ये देखिए उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, उस प्रकार से उनको इन्विटेशन दीजिए। आप बोलेंगे सर मुझे तो नहीं पता, मैं नया नया इस बिजनेस में, टेंशन ना लो, आपके सीनियर्स हैं वो आपकी मदद करेंगे। एक दो उदाहरण देता हूं मैं, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है वो किसी दूसरे स्टूडेंट को कैसे इनवाइट कर सकता है। सुरेश एक बात बताऊं तेरे को, आजकल लोग पढ़ाई करते केवल थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो, तुझे भी पता है थ्योरेटिकल नॉलेज से कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। आजकल मैं कैसे प्लेटफॉर्म पे से काम कर रहा हूँ, एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ जहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊं कि अगर तुम भी उसका पार्ट बने ना, और आने वाले वक्त में अगर ऐसी सिचुएशन भी बनती है कि अगर कोई ग्रुप डिस्कशन हो, कोई इंटरव्यू हो, तो सबसे पहले सिलेक्शन तेरा होगा। कुछ ऐसा इन्विटेशन दीजिए जो सामने वाले से रिलेट करे। अगर किसी जॉब वाले को इन्विटेशन देना तो कैसे देंगे, इमेजिन करके देखो, मैं जॉब कर रहा हूँ पिछले 8 साल से, मेरा दोस्त राकेश वो भी 8 साल से जॉब कर रहा है, और मैं जुड़ गया SHPL से या फिर डायरेक्ट सेलिंग व्यापार से, मैं कैसे उनको इनविटेशन दूंगा। जैसे हम लोग ऑफिस में या उस जगह रह करके काम कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ राकेश या सुरेश कुछ भी दोस्त का नाम है, राकेश एक बात बताऊं, 6 से 8 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है ना, और जो हमारी सैलरी है, तेरे को पता गुजारा कितना मुश्किल से होता है। कहावत है नानक दुखिया संसारे, सबको दुख है, वो हाँ में हाँ मिलाएगा। भाई बात तो तू सही कह रहा, तेरा तो फिर भी ठीक है, मेरा तो बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, इतना दूर से घर पैसे भेजने होते हैं, फिर मेरे चेहरे पे स्माइल आता है, देख बात तेरी नहीं है सब की। मैं भी बड़ा परेशान था यही सोच करके कि कैसे गुजारा चलेगा अपना, फिर मुझे अचानक से ऐसे जबरदस्त प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा। और सच बताता हूं, अगर हमारी सोच मिल गई ना दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, यदि हमारी सोच मिल गई ना, तो विश्वास दिलाता हूं अगले से 6 से 7 महीने में 25,000 की इनकम कोई रोक नहीं सकता। अच्छा मैं 25 किसको बताऊंगा, जो 13-14-15,000 कमा रहा है, जो केवल 3 कमा रहा उसको मैं 25 नहीं बोलूंगा, और जो ऑलरेडी 35 कमा रहा उसको भी मैं 25 नहीं बोलूंगा। तो उतना ही बोलिए जितना कि सामने वाला डाइजेस्ट कर पाए। जैसे 12-15,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति को आपने बोला कि 25,000 की आमदनी कोई रोक नहीं सकता, वो बोलेगा अच्छा ऐसा क्या है। जैसे उसने बोला क्या है, अब ये मेरे पे है कि मैं अपॉर्चुनिटी को और बड़ा दिखाऊं या खत्म कर दूं। मैं एक्साइटेड हो गया, तुरंत से पेपर पेन लेकर के बताना शुरू कर दिया, ना ये गलती कभी मत करना। जैसे उसने पूछा ऐसा क्या है, तो आप रुकते हैं, ठहरते हैं, कुछ सेकंड का पॉज, चेहरे पे स्माइल लाते, फिर कहते हैं ऐसा है, सारी राज की बात सारी जगह नहीं की जाती, और यहाँ ऑफिस में तो बिल्कुल नहीं। एक काम करो, आज जब ऑफिस से निकलते हैं, अगर आप शॉप पे काम करते हैं, शॉप बढ़ाते हैं, तो उसके बाद चाय पे या तो तुम मेरे घर आ जाओ या मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। और यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर वो आया तो आधी ज्वाइनिंग को ऐसे ही आ गई। अगर आप इस इनविटेशन से सहमत है तो प्लीज एक बार यस टाइप कीजिएगा। ये साथियों मैं आपको बता रहा हूँ किसके लिए, अगर कोई जॉब होल्डर है उसके लिए। अच्छा कोई ट्रेडिशनल काम कर रहा है उसके लिए क्या, तो सिंपल आप बोल सकते हैं कि एक बात बताऊं भाई, ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस हम लोग कर रहे हैं ना, बड़ा मगजमारी का काम है, कंपटीशन बहुत है, धंधा ना चले तो दिक्कत, चल जाए तो दिक्कत, नया कंपटीशन आकर के खड़ा हो जाता है, और पता नहीं कब सरकार का मूड बदल जाए, कौन सा क्या नियम कानून लेकर के आ जाए, समझ में नहीं आता, ऐसा ही होता है ना। लेकिन मुझे कैसे शानदार बिजनेस के बारे में पता लगा है जिसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है और मुनाफा जबरदस्त हो सकता है, करना बस इतना है कि 2-2.5 घंटे समय निकाल करके बिना इन्वेस्टमेंट के भी बढ़िया किया जा सकता है। कुछ भी आपको इस तरीके से रिलेट करना कि सामने वाले को लगे कि हाँ बात मेरे फायदे की हो रही, और अगर ऐसा होगा लोग आपके इनविटेशन पे आएंगे। बाकी वक्त को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं ज्यादा लंबा इनविटेशन पे नहीं बोलूंगा, हमारे इनविटेशन को भी लेकर के ट्रेनिंग होती है, तो किसी दूसरे ट्रेनिंग में आप जरूर शामिल हो। इनविटेशन के बाद जो नेक्स्ट आपको काम करना दोस्तों वो है प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन क्या, बहुत आसान है। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में सामने वाले को बताएं। और बताना कैसा है, देखो बात वही है, फर्क है बताने के तरीके में। सेम वही सर्वश्री की बात है, मैं भी करता हूँ, कोई वाई भी करता है। वाई नाम का व्यक्ति बताता है, लोग उसके साथ आ जाते हैं, और मैं बताता हूँ, लोग नहीं आते हैं। क्यों भाई, मैं भी वही SHPL बता रहा हूँ, फर्क कहाँ आ रहा है? तो फर्क आ रहा है बताने के तरीके में। आप बोलोगे सर तरीका थोड़ी मैटर करता है, फैक्ट मैटर करता है। मैं भी वही फैक्ट बताता हूँ जो वो बताते हैं। सारा PDF मैंने भेज दिया, वेबसाइट मैंने भेज दिया, लोग आ ही नहीं रहे मेरे साथ। तो देखिए साथियों, ये बिजनेस है स्किल्स डेवलप करने का, आपको भी सीखना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। मेरे को नहीं पता अभी इस मीटिंग में कितने लोग कनेक्टेड, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ देखने में। फिलहाल लास्ट में मैं देखूंगा कितने लोग थे। फिलहाल मेरे लिए जरूरी कि मैं अपनी बातें आप तक पहुंचाऊं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, सभी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो कनेक्टेड है वो इंटरेस्टेड है, वो रुचि रखते हैं सीखने के लिए, इसलिए तो है। तो जब भी आपके सीनियर्स प्रेजेंटेशन ले तो बैठ करके सीखिए। ऐसा ना हो कि गेस्ट को बिठा दिया और हम चले गए, फोन पे लग गए। प्रेजेंटेशन क्या है जरा समझिएगा एक उदाहरण से। रियलिटी में मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि मेरी शादी नहीं हुई, मेरी गर्लफ्रेंड है मेरे रिलेशनशिप में। और दो सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि मुझे अपने प्यार से, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूं, प्यार भी है, लेकिन मेरे लाइफ में चैलेंजेस भी है, दिक्कत भी है। देखो दोनों को, इस बात को रखने का दो तरीका हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। नंबर एक, वैसे तो दिक्कत बहुत है, लेकिन मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूं, सिंपल एक लाइन। सेकेंड लाइन पे गौर कीजिएगा, मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूं, लेकिन दिक्कत बहुत है। क्या दोनों में कुछ फर्क दिखा आपको? अगर दिखा तो प्लीज एक बार वाई टाइप कीजिएगा। और आपके लिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, अगर आप समझ पाए तो। जीवन में दिक्कत तो बहुत है, चैलेंजेस बहुत है, परेशानी बहुत है, लेकिन मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूं, पहला। दूसरा, मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूं, लेकिन दिक्कत बहुत है। अगर आप गौर कीजिए तो बात एक ही है, क्या प्यार भी और दिक्कत भी है, लेकिन पहले लाइन से ये फीलिंग आती है कि दिक्कत मेरे लिए ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्यार। लेकिन सेकेंड वाले फ्रेज में अगर आप गौर कीजिए तो क्या है कि प्यार तो है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे क्या लगता है कि लाइफ में चैलेंजेस ज्यादा है। देखो एग्जांपल तो मैं बहुत सारे उठा करके ला सकता था, लेकिन माहौल है यहाँ पे, बड़े सारे यंगस्टर्स है, बात पकड़ी होगी लोगों ने। तो साथियों, ये जो प्रेजेंटेशन है, समझिएगा प्रेजेंटेशन वही कला है। सरफराज जी भी वही बात बताते हैं, सूरज मल्होत्रा जी भी वही बात बताते हैं, एक्स भी वही बात बताता है, वाई भी वही बात बताता है। फर्क कहाँ है? फर्क है बताने के तरीके में, जो किसी इंसान को मजबूर कर देता है कि इस व्यक्ति के साथ जुड़ना है। इस व्यक्ति के साथ अगर मैं चला गया ना, तो मैं जीवन में कामयाब जरूर होऊंगा। तो साथियों, यही प्रेजेंटेशन आपको सीखना है। सीखेंगे कैसे? सिंपल, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन लेकर के, ज्यादा से ज्यादा सीनियर्स की मीटिंग्स अटेंड करके। हर मीटिंग को उसी जोश के साथ आप अटेंड कीजिए जैसे कि पहली बार आप अटेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर, हर दिन तो मैंने सुना कंपनी हर बार सोमवार को रख देती BOP या फिर BOS कंपनी रख देती, नहीं ऐसा नहीं करना दोस्तों। प्रेजेंटेशन के बाद जो अगला काम आपको करना है वो है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? आप अगर ये बोलेंगे कि किसी को आपने प्रेजेंटेशन दिखा दिया, लोग ज्वाइन कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। फॉलोअप करना पड़ेगा आपको। फॉलोअप का बेसिकली दो अर्थ है। सबसे पहला, सामने वाले के मन में अगर कोई डाउट है, सवाल है, तो उसको दूर करें। फॉलोअप का दूसरा मतलब ये है कि सामने वाले को एहसास दिलाइए कि किस प्रकार से ये अपॉर्चुनिटी उसके जीवन में बदलाव ला सकता है। किसी ने अगर सवाल किया, हमने जवाब दे दिया, फिर तो बढ़िया है, लेकिन किसी ने सवाल ही नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो रहा है, आपके साथ वो नहीं आ रहा है और इस सिस्टम का पार्ट नहीं बन रहा है, फिर भी उसको फॉलोअप की जरूरत है। शायद उसको अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि ये अपॉर्चुनिटी किस प्रकार से उसके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकता है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक कर सकता है, वो ज्यादा खुश रह सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम को, टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है। फॉलोअप जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। एक बार किसी बिजनेस ट्रिप पे मेरे को जाना था, कहीं पे ट्रेनिंग वगैरह, कुछ मीटिंग्स वगैरह मेरी थी, ट्रेन से मैं जाने वाला था, ट्रेन मेरी थोड़ी लेट थी, स्टेशन पे मैं वेट कर रहा था।
और मेरी आदत है कि अगर मेरे पास समय है, हालांकि अब तो सेलफोन ज्यादा यूज होता है, तो मेरी आदत है कि मैं किताब जरूर देखता हूँ। और मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन है, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, पॉजिटिव चेंजेस को लेकर के। तो मैं चला गया बुक स्टॉल पर, कुछ किताबें देख रहा था, तो किताब पे मेरी नजर पड़ी। मैं दिखाता हूँ किताब कौन सी है। किताब पे एक टाइटल लिखा हुआ था। किताब का टाइटल क्या था? गाय दूध नहीं देती है। आपको पिक्चर दिख रहा है ना, प्रमोद बत्रा जी इसके ऑथर। जैसे मैंने देखा गाय दूध नहीं देती है, मेरे को लगा ये क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने बुक सेलर से बोला कि भाई साहब जरा वो किताब भराइएगा। और जब मैंने किताब को उठाकर, अच्छा आप बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, गाय दूध नहीं देती है क्या? देती है ना। लेकिन जैसे फिर मैंने अभिषेक ओझा जी, मैं जानता हूँ आप बहुत स्मार्ट है, आप ट्रेनर है, आप शायद मुझसे भी अच्छे ट्रेनर है, लेकिन इस ट्रेनिंग का आनंद लीजिए और लोगों को भी लेने दीजिए। क्लाइमेक्स आप पहले रिवील कर दे रहे हो अभिषेक जी, ऐसा भी ना करो। फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने उस बुक सेलर से बोला जरा किताब दीजिएगा। और किताब को जब मैंने नजदीक से देखा तो जरा गौर कीजिएगा, टाइटल क्या लिखा हुआ था, मोटे मोटे बड़े अक्षर में क्या लिखा हुआ था, गाय दूध नहीं देती। और जब मैंने किताब को नजदीक से देखा तो नीचे छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ क्या, गाय दूध नहीं देती बल्कि बूंद बूंद निकालना पड़ता है, जैसा कि अभिषेक ओझा जी ने लिखा कि गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। गेस्ट प्लान देखने आते नहीं है, बुलाना पड़ता है। गेस्ट डेट इसलिए व्यापार में जुड़ते नहीं है, जोड़ना पड़ता है। लोग ट्रेनिंग में आते नहीं है, बुलाना पड़ता है। तो साथियों ये फॉलोअप है, ये ह्यूमन नेचर है कि जब तक कहीं थोड़ा सा प्रेशर ना डाला जाए कोई कुछ करता ही नहीं है। तो ये फॉलोअप आपको दोस्तों करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर मैं नया नया व्यापार में जुड़ा, सब कुछ बढ़िया लग रहा था, किसने आपका लिंक भेजा, मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, हो सकता कोई नए व्यक्ति हो, सर ये क्या बोल रहे हो आप, मुझे लोगों का पीछे पड़ना पड़ेगा। हाँ पढ़ना पड़ेगा, सवाल है कितना, उसका आपको ध्यान रखना। मैं ढूंढ रहा था, मेरे घर में वो मिला नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। क्या इलास्टिक का रबर आपने देखा होगा, इलास्टिक का जो रबर है उसको अगर किसी मतलब किसी चीज पे अगर यूं ही डाल दो तो वो काम नहीं करता है। इलास्टिक के रबर को खींचना पड़ता है, उसके बाद किसी चीज में फंसाना पड़ता है। बिना इलास्टिक के रबर को खींचे काम नहीं करेगा, खींचना है आपको। लेकिन अगर इलास्टिक के रबर को जरूरत से ज्यादा जोर से खींच दो तो वो रबर टूट भी जाएगा। तो फॉलोअप कुछ ऐसा ही दोस्तों, अपने गेस्ट के पीछे, अपने प्रोस्पेक्ट के पीछे थोड़ा सा लगना होगा, नहीं लगोगे वो ज्वाइन नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पीछे ही पड़ गए, कि वो 300 मीटर दूर है और आपसे नजर मिली तो वो कल्टी मार करके निकल लेता है, रास्ता बदल लेता है, ऐसा भी नहीं करना है दोस्तों। लेकिन आप बोलोगे सर मैं फॉलोअप ही ना लूं फिर भी लोग ज्वाइन करें, तो देखिए दुख के साथ बताना पड़ेगा, रियलिटी है, ऐसा होता नहीं, आपको लगना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे। आपके घर में दिवाली मनी होगी, आपके घर में होली मनी होगी, आपके घर में ईद मना होगा। अगर घर के गार्जियन यानी कि पिताजी अगर सामान लेकर के आते हैं तो मम्मी या फिर उनकी वाइफ उनके पीछे लगती है, ए जी आपको तो पता ही कि त्योहार है जरा सामान ले आते हैं, नहीं लाते है वो। दूसरे दिन भी बोलती हैं मम्मी या फिर वाइफ उनकी, नहीं लाते वो। और लाते कब है, त्योहार से एक शाम पहले, या फिर हो सकता सुबह सुबह लेकर क्या सस्ता सामान मिल जाता है क्या उस टाइम पे, नहीं। देखो ये हर घर की कहानी, जब तक पीछे नहीं लगेंगे कोई काम होता ही नहीं। तो दोस्तों अपने आदत में इसको शुमार कीजिए, शामिल कीजिए, यकीन मानिए थोड़ा सा फॉलोअप करना पड़ेगा। तो साथियों हम लोग ट्रेनिंग के सेकंड पार्ट में चल रहे हैं कि कैसे इस व्यापार को करना। आपने देखा इनविटेशन, आपने देखा प्रेजेंटेशन और आपने देखा फॉलोअप। अब मैं लास्ट टॉपिक की तरफ चलता हूं, जो तीसरा हमारा आखिरी टॉपिक है, वो है क्या इस व्यापार में आकर के आपको करना क्या है। पांडव कितने थे, पांडव कितने थे, पांच, बहुत बढ़िया। हथेली में फिंगर्स कितने होते हैं, पांच, बहुत बढ़िया। छह से पहले और चार के बाद क्या आता है, पांच। आप बोलोगे सर ये करवा क्या रहे हो, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों इस बिजनेस में आपको पांच काम करना है, याद रखिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लिखा है तो आपको याद भी होगा।
क्या वो पांच काम कौन सा करना है दोस्तों? इस बिजनेस में आने के बाद जो आपको पांच काम करना, उसमें जो सबसे पहला काम है वो ये कि आप प्रोडक्ट यूजर बने। हमारे सर्वश्री में 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर के मेरे को लगता है 100 से ज्यादा है, 125 तो केवल हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, आपको अभी 16 तो केवल मसाला ही लॉन्च हो चुका है, 25-26 हमारा किचन केयर का प्रोडक्ट है। तो आपको प्रोडक्ट यूजर बनना है। जैसे मुझे किसी दोस्त ने बोला कि एक जगह की लस्सी बड़ी अच्छी है, चल वहां पे लस्सी पीते हैं। मैंने बोला चलो, और जब मैं लस्सी पीने के लिए गया तो वहां से दुकानदार निकल रहा, मेरा दोस्त बोलता यही सेठ जी यहाँ के बड़ा पैसा कमाता है। मैंने बोला अच्छा ये यहाँ के सेठ जी, यार भीड़ तो है। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, वो सेठ जी अपने दुकान से निकलते हैं और सामने वाले दुकान में जाकर के वहां की लस्सी पीते हैं। आपको लगता है उनके यहाँ लस्सी पीऊंगा? मैं बोलूंगा यार ये क्या है, हम इनकी लस्सी पीने आए हैं और ये अपनी दुकान नहीं वहां के दुकान से जाकर के लस्सी पीते हैं। इसका मतलब मेरे मन में डाउट आएगा कि इनके लस्सी में कमी है, आया ना? तो मैं भी एक लीडर को जानता हूं, वो कहते हैं मैं सर्वश्री में हूं, मैं SHPL में हूं, हमारे प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे, बहुत सारे प्रोडक्ट है। और मैं जब उनके घर पे गया एज अ गेस्ट, तो मैं उनके जाकर के घर में देखता हूँ वॉशरूम में निकलता है पतंजलि, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पतंजलि का निकलता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का निकलता है। तो तुरंत से मेरे दिमाग में आ जाएगा कि ये बंदा जेन्युइन नहीं। तो दोस्तों इस बिजनेस में करना क्या, पांच काम आपको करना हो, पांच काम में सबसे पहला काम क्या है, 100% प्रोडक्ट यूजर बने। दूसरा काम आपको क्या करना, मेक लिस्ट। याद है ना आपको डायरी बनानी थी, डायरी में आपको लिस्ट बनानी है। दोस्तों लिस्ट किस चीज की, ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वाई लिस्ट, गेस्ट लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, ये लिस्ट आपको बनाना है दोस्तों। दूसरा काम आपको ये करना। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम आपको करना है शेयर एंड इनवाइट। लोगों से शेयर कीजिए अपॉर्चुनिटीज को, लोगों को इनवाइट कीजिए, इनविटेशन दीजिए, फोन पे हो, मिल करके हो, कॉलेज में हो, जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं वहां पे हो, शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए। यार तुम्हारे बाल बहुत सिल्की लग रहे हैं, कैसे? आजकल मैं सर्वश्री का शैंपू इस्तेमाल कर रहा हूं। कहीं भी मौका मिले तो प्रमोशन करने से मत चुकिएगा दोस्तों, ये बिजनेस ही प्रमोशन करने का। शेयर कीजिए, क्या अगर आपको प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले शेयर कीजिए। अगर आपने इस कंपनी में चेक बनाया है और स्टेज पे आपको सम्मानित किया गया, आपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप स्टेटस पे डालिए, लिखिए आप। पैसा कमाना तो ठीक है, जो आज सम्मान प्राप्त हुआ ऐसा पहले कभी भी महसूस नहीं किया, थैंक यू SHPL। लोग देखे तो पूछे क्या कर रहा है भाई, शेयर कीजिए इस बिजनेस से मिलने वाले फायदे को, इस कंपनी के प्रोडक्ट से मिलने वाले फायदे को, और इनवाइट कीजिए लोगों को। दोस्तों पहला काम था प्रोडक्ट यूजर 100% बने, दूसरा काम था लिस्ट बनाएं, तीसरा काम था शेयर करें और इनवाइट करें, चौथा काम आपको क्या करना है, चौथा काम है शो दी प्लान। हमारी कंपनी का जो बिजनेस प्लान है, जो अपॉर्चुनिटी है सर्वश्री का, लोगों से शेयर कीजिए। कोई आपके पास नहीं आने वाला दोस्तों, आपको इन्वाइट करना है, आपको जाकर के लोगों को बताना है, आपके सपने हैं, आपका लक्ष्य, आपका गोल है, कोई बाहर से नहीं आने वाला। और जो पांचवा और आखिरी काम आपको करना है वो ये, अटेंड ऑल दी ट्रेनिंग्स एंड इवेंट्स। सारी ट्रेनिंग्स और इवेंट्स आपको अटेंड करनी है। क्यों अटेंड करनी है, मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, आपसे जरूर शेयर करूंगा। अक्सर जो मेरी ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड कर चुके हैं उनको ये पता होगा, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। हम सबके साथ बचपन में एक घटना घटी, हम जब छोटे बच्चे थे तो बांसुरी वाला आता था और बड़े प्यार से बांसुरी बजाता था, हमारे को सुनाई देता था, हम भाग करके जाते थे और देखते थे और बड़े प्यार से वो बजा रहा होता था बांसुरी। हम वापस से भाग करके घर पे आते थे और माँ बाप से, पेरेंट्स से पैसे लेते थे और जाकर के बांसुरी खरीद करके लेकर के आते थे। गड़बड़ का है, जब हम बांसुरी बजाते हैं तो केवल हवा ही बाहर निकलती है, बांसुरी नहीं बजती है। कोई बताएंगे कारण क्या है, कोई बताएंगे कारण क्या है? मैं बताता हूं, बजाना नहीं आता, सही है। हमने बांसुरी तो खरीद ली लेकिन बांसुरी बजाए कैसे, कि ट्रेनिंग हमने नहीं ली। आपने भी एक बांसुरी देखी थी, ध्यान है आपको? नहीं, मैं याद दिलाता हूं। आपका कोई दोस्त था, आप कहीं पे लेकर के गया, आपने SHPL का प्लान देखा या आपके घर पे आकर के उसने बताया,
आपने पूछा अच्छा ये बात सुनिए बस्ती है, वो कहते बिल्कुल बस्ती है, इनसे मिलो, आज से पहले इन्होंने ये बांसुरी खरीदी थी, इस सिस्टम का पार्ट बने थे, नाम संजीव शर्मा, प्रवेश भारद्वाज, महीने का 20 लाख रुपए कमाते हैं महीने का, वो कहते कमाल है, और भी लोग हैं, बिल्कुल इनसे मिलो, ऐसे फीमेल्स का कुछ चेहरा दिखाया गया, कुछ और दिखाया गया, आप एक्साइटेड हो गए कि मुझे भी ये बांसुरी खरीदनी है, और आपने भी बांसुरी खरीद ली, कौन सी, रजिस्ट्रेशन कराया था ना, पैन कार्ड दिया था ना, SHPL का पार्ट बने था, आईडी पासवर्ड मिला था ना, लेकिन आपसे बांसुरी बज नहीं रही है, आप किसी को ज्वाइन कराना चाहते हो वो ज्वाइन हो नहीं रहे, गड़बड़ कहाँ है, सिंपल, हमने बांसुरी तो खरीद ली, ट्रेनिंग नहीं ली। एटलीस्ट इस मीटिंग को अटेंड करने वाले ऐसे कोई भी ना समझ नहीं है, जिनको इस बात की जानकारी नहीं है, अगर होती तो वो ट्रेनिंग में नहीं होता, ट्रेनिंग में है, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड है कि सर हम सीखना चाहते हैं। तो आज जितने भी लोग इस सेशन में कनेक्टेड थे, खास करके जो पुराने ज्वाइंट लोग है, मेरे को पता है आप बहुत अच्छे लीडर है, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा नॉलेज है, आज शायद आपको थोड़ा सा एक अलग अनुभव मिला होगा, बताने का थोड़ा एक अलग तरीका दिखा होगा। साथी जितने भी नए साथी जिन्होंने पिछले 1 हफ्ते 15 दिन या 1 महीने में हमारी कंपनी के साथ शामिल हुए हैं और वो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन या फिर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे थे, मैं आप सभी का सर्वश्री परिवार में स्वागत करना चाहूंगा और आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रेगुलर बेसिस पे हमारी ट्रेनिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स को जरूर अटेंड करें। और आज के टाइम पे सबसे महंगी चीज क्या है, वो है डेटा, जो पता नहीं कितने तरीके से हम खर्च करते हैं, आपने अपना सबसे कीमती चीज, अपना महंगा डेटा खर्च किया और बीते 40 मिनट तक आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं और ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, लास्ट में मैं थैंक यू करना चाहूंगा इस सिस्टम को, इस कंपनी के मालिक श्री गोपाल कुंदू जी को जो मैनेजमेंट में है, साथ ही प्रशांत सर को, सुभाष सर को और स्टेन सराव सर को जिन्होंने इस ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत करी। मैं आपको बस ये प्रॉमिस करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ बने रहे, रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग का पार्ट बने रहे, मुझे पता है 40 मिनट के ट्रेनिंग में 100% आपका यहाँ पे ध्यान रहे ऐसा जरूरी नहीं है, 10 बातें जो आपको बताई गई 10 के 10 चीजें आप सीख लें ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर 1-2 पॉइंट भी आप हर ट्रेनिंग में सीखते हैं, एक दिन बहुत सारे पॉइंट्स का खजाना आपके पास होगा और आप किसी गेस्ट के साथ, किसी व्यक्ति के साथ अगर बैठे होंगे, उनसे के साथ बातचीत करेंगे, हो सकता है एक बार के लिए वो आपके साथ ना भी जुड़े, लेकिन थैंक यू बोल करके आपको जरूर जाएंगे, आपसे प्रभावित होकर के जरूर जाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच, दोबारा फिर मिलते हैं अगले किसी और सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, आज का सेशन यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मैं स्टेन सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज आपसे